नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। साथियों, इस समय का बहुत ही हॉट टॉपिक है। क्या? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। साथियों, 2019 का बजट आता है, इसका नाम लिया जाता है। साथियों, इसका नाम जैसे ही लिया गया, इसके बाद इसकी सुर्खियां चलना शुरू हो गई, इसके बाद इसके प्रश्न उठना शुरू हो गए। आज किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको ZBNF के क्या है, आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। साथियों, क्या है ये खेती, कैसे करते हैं इसको, क्या इसके पहलू हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट तत्व हैं, इन सब की जानकारी हम एक एक करके लेने वाले हैं। साथियों, ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, अपने आप में ही बताता है कि जीरो क्या है, बजट है, यानी कि आपको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है। साथियों, एक चीज हम आपको बहुत अच्छी बताते हैं, 1966 का दशक आता है और उसी समय क्या होता है, हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए लड़ने लगते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आते ही हम लोगों ने भर भर के क्या करने लगे, पेस्टिसाइड का यूज, खाद का यूज, फर्टिलाइजर का यूज, और क्या, ऑर्गेनिक मेन्योर से दूर हो गए, अच्छे अच्छे बीजों से दूर हो गए और हम हाइब्रिड बीज की तरफ चले गए। साथियों, इन सब के चलते हमारी मृदा की जो उर्वरकता थी वो धीरे धीरे लॉस हो गई और खेती करने में हमको समस्याएं आने लगी। आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमने मिट्टी से ले ली हैं और साथियों आज हम लोगों के बीच हैं। इसलिए किसानों को अब क्या करना है, ZBNF की तरफ जाने की एक पहल लेनी पड़ी। साथियों, होता क्या है, हमारे पास 2000 के लगभग यानी 1990 से हमारे एक साहब हैं जिनका नाम है सुभाष पालेकर सर, उन्होंने ZBNF को शुरू किया। साथियों, ये एक ऐसी पहल जिसने भारत में एक नई क्रांति ला दी और इसके बाद हर स्टेट इसी के लिए बढ़ने लगा। साथियों, होता क्या है, 1990 के बाद में ये ZBNF काफी पॉपुलर होने लगा, लेकिन 2019 में जब बजट में इसका अनाउंस हो गया, इसके बाद इसकी सुर्खियां बहुत ज्यादा हो गई। साथियों, इसमें क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, उन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। ZBNF सुभाष पालेकर के द्वारा जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको कुछ दिन पहले ही पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साथियों, जैसे ही उनको अवार्ड से नवाजा गया, उनकी सुर्खियां आगे आने लगी और क्या है, क्या कैसे होता है, इस बारे में चर्चाएं पूरे दुनिया में होने लगी। इसके बाद होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है साथियों, हमने करना सिर्फ इतना है कि हमको कंपोनेंट जितने भी हैं इसके, उनके अंदर ये बताया गया है कि हमको कैसे दूर होना है रासायनिक उर्वरकों से, और कैसे दूर होना है हमको फर्टिलाइजर से, और प्राकृतिक तरीके से हमको खेती को अपना लेना है। साथियों, हमको इसमें चार कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, इसमें करना क्या है, हमको क्या करना है, मिट्टी को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर से फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कुछ भी या फिर हर्बिसाइड कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, और करना क्या है, इसमें हम जो गाय है उसके गोबर से ही अपने मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएंगे, मल्चिंग करेंगे, ज्यादा कंजर्वेशन वाले प्रैक्टिस लेंगे, हम बाहरी कोई भी चीज नहीं करेंगे। साथियों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल भी हम ऑर्गेनिक मेन्योर का भी यूज नहीं करते हैं। साथियों, इसमें जो करते हैं वो देसी गाय ही लेते हैं, विदेशी गाय को भी हमने क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया है। एक एक करके आप सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्राकृतिक तरीके को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस विधि से 30 एकड़ जमीन के लिए एक देसी गाय का गोबर और गौमूत्र, वही आपकी खेती करने के लिए बहुत है। साथियों, इन्होंने एक बात और कही, कहने लगे कि आप जब जानते हैं ना कि आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन हो सकता है शुरुआत में कम हो, लेकिन विश्वास मानिए आगे जाके ये प्रोडक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस सब के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। कितने चाहिए साथियों? 3 ईयर चाहिए, और 3 ईयर के बाद आप इसको एडॉप्ट कर लेंगे, मतलब पहले थोड़ा समय लग सकता है, इसके बाद ये चीजें कैसी हो जाएंगी साथियों, एकदम बढ़िया हो जाएंगी और आपका उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा। साथियों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसके बारे में आप ऐसे जान सकते हैं कि बिना रसायन के प्रयोग से आपको खेती करनी है, और अच्छी फसल के लिए गाय के गोबर, पौधे के अर्क आदि का ही प्रयोग करना है। लागत
कम करनी है और निर्भरता जो आपकी है पेस्टिसाइड पे, फर्टिलाइजर पे, उसको हम खत्म कर देंगे। इसके बाद इसकी सारी जानकारी हमने इसमें लिख दी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है जीवामृत, क्या है बीजामृत। एक एक करके हम सारी चीजों को तथ्यवार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जैसे ही हम देखते हैं ZBNF, इसके चार कंपोनेंट होते हैं। साथियों, बीजामृत मतलब होता है सीड का ट्रीटमेंट। साथियों, नीम का पत्ती जानते हैं ना आप, नीम के पत्ती से इसको उपचारित कर देते हैं। और जीवामृत का मतलब है आप क्या है, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। आप मिट्टी की उर्वरकता के लिए गौमूत्र का प्रयोग या फिर गाय के गोबर का प्रयोग, वो भी देसी हो तो करेंगे। साथियों, मल्चिंग का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या करना है, मिट्टी को बचाना है, उसको प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनाने के लिए सॉयल की ऊपरी परत को बने रहने देना है, और क्या करना है, आप एक्स्ट्रा की परत को बने रहने देना है। साथियों, विपाशा जो है ये भी एक सॉयल मॉइस्चर की टेक्निक है, ताकि सॉयल की मॉइस्चर जो ऊपर है वो क्या हो, उड़े नहीं, और ज्यादा से ज्यादा सॉयल मॉइस्चर हमारी सॉयल में बनी रहे। इसलिए ये चार कंपोनेंट जिनको बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और विपाशा बोलते हैं, साथियों इसके बारे में हम बिल्कुल याद रखेंगे। इसको ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती के लिए पांच अमृत दिए गए हैं। ये पांच अमृत हैं क्या, ये हमने आराम से आपको एक एक करके चीजों को लिख दिया है। साथियों, इंटरक्रॉपिंग का सहारा लिया जाता है इसमें। इंटरक्रॉपिंग से क्या करेंगे, हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे, लागत को कम करेंगे, और क्या है, दूसरी फसलों को उगाने से आपका उत्पादन के साथ साथ आपके पैसे भी ज्यादा आएंगे। साथियों, हाइब्रिड बीज को तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, पारस्परिक देसी उन्नतशील प्रजातियों का ही क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। साथियों, बाजार से आपको ना खाद लेनी है, ना उर्वरक, ना कीटनाशक, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लागत शून्य, यानी कि जीरो बजट। साथियों, आगे आते हैं, क्या करना है, किसानों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, इनपुट में अगर कमी हो जाएगी, यानी किसान को क्या होगा, लाभ होगा। इसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता में अगर सुधार है साथियों, तो अभी किसान को क्या होता है, लाभ होता है, हमारी धरती माँ को लाभ होता है। इसके बाद टिकाऊ और उत्पादकता वाली सुनिश्चित कर देता है, और किसान को आत्मनिर्भर बनाने में साथियों हेल्प करता है। साथियों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आते ही कई बार ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने इसकी तरफ अपने रुख को मोड़ लिया। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाया और 100% अपने आप को 2025 तक करने का संकल्प रखा। इसके बाद उत्तराखंड हमारा, वो भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे आया। कर्नाटका और उत्तर प्रदेश जैसे सारे स्टेट ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को क्या किया, बहुत सारा प्यार दिया और इसको अपनाने की बात की। साथियों, श्रीलंका जैसा देश जिसने नेचुरल फार्मिंग को अपना लिया, लेकिन वो क्या हुआ, खत्म हो गया। इसलिए पहले इसमें कहा गया कि साथियों, आप धीरे धीरे से अपनाएं, अपनी मिट्टी को, अपने खेत को एक साथ इसमें ना ढकेलें। पहले कुछ भाग पे आप क्या करें, आप प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, आपको चेंज कर लेना है। आपको 3 से 6 साल लग सकते हैं इसके लिए, जैसे कि आप चेंज होंगे। लेकिन जैसे ही आपका चेंज हो गया साथियों, इसके बाद उत्पादकता भी बढ़ जाती है और क्या होता है, हमारी लागत भी कम हो जाती है। इसलिए भारत सरकार भी इसको प्रमोट करने के कई सारे काम कर रही है। इसी के तरीके से हम इसके सारे की सारी चीजें जान चुके हैं। अगर आप यहां तक आए गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे।